सो हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक माय चैनल। आई एम बब्बल साहब। तो आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो गाइस, आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। तो माइनक्राफ्ट के अंदर अभी हम एक घर बनाएंगे। पहले तो मैं अपना एक अलग सा विलेज बना लेता हूँ। एक हमने एक घर बनाना है बहुत अच्छा। अब मेरी कॉपी करके यूट्यूब के अंदर अपनी सेम ऐसा सा घर भी बना सकते हो। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलो गाइस, हमारी हो चुकी है वीडियो स्टार्ट। तुम ये देख लो, ये हूँ मैं। तो गाइस, हमको बनाना है एक घर। तो उसके लिए घर के लिए बहुत अच्छी लोकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको अपना फेस दूसरी तरह कर देता हूँ, प्लस वाली साइड से। उसके लिए हमको वीडियोस में जाना पड़ेगा, वीडियो में यहाँ पर करना है। तो अभी वैसे मैं सर्वाइवर में हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे नीचे हार्ट भी दिख रहा है। तो अभी मैं क्रेफ्टी में हो जाता हूँ। ओके गाइस, मैं क्रेफ्टी में हो चुका हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ। तो ये वापस जाते हैं बैक। तो ये देखो, ये हूँ मैं। तो गाइस, सबसे पहले हमको कोई लोकेशन चाहिए होगी जो हमको मिल चुकी है। मेरे ख्याल से ये जो लोकेशन है काफ़ी बेस्ट लोकेशन है। तो यहाँ पर गाइस बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको 9 ब्लॉक्स लगाने हैं। यहाँ पर देखो, मैं 9 ब्लॉक लगा रहा हूँ। तो 9 ही मुझे 3 डॉट छोड़ के लगाने हैं। अब मुझे यहाँ से करने हैं दोबारा से 9 ब्लॉक। तो मैं माइनक्राफ्ट को पहले भी खेलता था, क्योंकि मेरा एक और विलेज है जिसके अंदर मैंने अपना एक पर्सनल घर बनाया है। उसके ऊपर मैंने दानिश लिखा हुआ है। तो साथ में मैंने उसके अंदर दीदी का भी घर बनाया हुआ है, जिसके अंदर मैंने जे लिखा हुआ ओनली अपने घर के आगे ही। यहाँ पर मैंने अभी नीचे वुडन प्लैंक लगा दी। तो अभी आपको क्या करना है कि नीचे से 10 लाइनें खींचनी है। यहाँ पर मैं 10 खींच देता हूँ। ये हाँ, बस ये 10 होगी। तो यहाँ पर भी कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10। ये दोनों हो चुकी है। अभी हमने क्या करना है, ये जो लाइन है तो इनको पूरा कवर करना है। ये जितनी भी है इनको पूरा हमने कवर कर देना है। ये भी हो गया। तो चलो गाइस, मैंने ऑलमोस्ट सारा कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, ये भी जो लास्ट लाइन बची है मुझे वो भी कंप्लीट करनी है। ये भी मैंने कर दी कंप्लीट। तो यहाँ पर ये अब करते हैं, इसको मैं ऊपर से तोड़ देता हूँ। ऊपर से सारी शेड करनी है कंप्लीट। फिर उसके बाद ये जो आपको यहाँ पर गैप दिख रहा है, वहाँ पर मैं वो लगा दूँगा ग्लास। तो ये जो नीचे आपको दिख रहा है, मैंने ये मेरे जो इन्वेंटरी में क्या क्या आपको सामान लेना है, कुछ बस इतना थोड़ा बहुत सामान चाहिए। तो ये जो है शवल, क्या कहते हैं इसको, मैं भूल गया हूँ। ये जो लकड़ी काटने वाली होती है, तो इसको आप इग्नोर करना, क्योंकि ये मैंने गलती से ले ली। बट ये आपके काम भी आ सकती है, क्योंकि बाद में मैं नीचे सारा क्लियर करके वुडन प्लैंक लगाऊंगा। तो अभी मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर जैसे मैं कह रहा था कि सारा मैं क्लियर करके वुडन ऑक्स है इसका ना, ऑक्स मैंने पढ़ा नहीं अच्छे से, बड़ी जल्दी चला गया। वैसे इससे थोड़ा काम इजी हो रहा है। वैसे आप क्रेफ्टी में हो गए तो थोड़ा जल्दी और हो जाएगा। तो इधर से मैं ये सारा फटाफट काटता हूँ। साथ में ही काट दिया गाइस मैंने ये सारा, बस होने वाला है, ये लास्ट लाइन बची है। तो ये अभी मैंने क्या करना है, यहाँ पर से वुडन प्लैंक लगाना स्टार्ट करता हूँ। मुझे बहुत जल्दी जल्दी गाइस काम करना पड़ेगा, क्योंकि डे भी हो सकता था जल्दी हो जाता। बट अभी मैं कहाँ बनाऊँगा। तो ऑलमोस्ट गाइस मैंने एक लाइन तो कंप्लीट कर दी है, तो ये सेकंड भी होएगी। उसको मैं तोड़ देता हूँ, क्योंकि प्लैंक जो है काफ़ी अच्छे लगते हैं जब हम जैसे वुडन प्लैंक के साथ में। अब और भी कुछ यूज़ कर सकते हो, बट मैंने ज़्यादा सोचा था कि मैं स्टोन और कोबल स्टोन और मैं ये जो प्लैंक है वुडन प्लैंक, इसका ही ज़्यादा यूज़ करूँगा। क्योंकि मैं नॉर्मल घर बनाऊँगा, मैं कोई अच्छा मॉडल हाउस नहीं हम इसको कह सकते। तो गाइस, अब क्या करना है, ये जो आपको ग्लासेस दिख रहे हैं इसको कंप्लीट करना है।
तो ये मेरे से गलती से ऊपर लग गया, मैं इसको भी तोड़ देता हूँ और इसको भी। तो ये आपको पूरा कवर करना है ग्लासेस से। ओके मैं से ही टूट गया। यहाँ से आपको सारे लगाने हैं। ये हो ही गया ऑलमोस्ट, ये लास्ट। अब मैं सेंटर सेंटर में लगाऊंगा ओनली, फिर मेरा ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। मुझे ये बहुत डिफिकल्ट लगता क्योंकि ये ऐसे तो लगता नहीं है, बहुत मुश्किल से ये लगता है। ये देखो वही मैं कह रहा, बड़ी मुश्किल से ऐसे लगता है। जो दूसरी वाली ग्लास होती है ना बॉक्स वाली, वो भी थोड़ी अच्छी बच्ची होती है, बहुत गंदी बच्ची है। यहाँ मैं कुछ ऐसा साइड पर एक काम करता हूँ, अंदर लगा दी मैंने। यार क्या हो रहा है मेरे साथ। तो गाइस मैं आपको कंप्लीट करने के बाद मिलता हूँ। दूसरी लाइन में भी सेम ऐसे ही करना है। आप देख सकते हो कि मैंने दोनों साइड कंप्लीट कर दिए। आप पीछे से भी आप देख लो, मैंने यहाँ पर भी कंप्लीट कर दिया। तो मुर्गी हमको एग देखेगी, ये तो हम ले लेते हैं। तो ये देखो गाइस पूरा हमने कुछ इस तरह का आपको करना है कि पीछे से भी ए टाइप का कुछ समझ लो। तो अब गाइस मैं साइड में पीछे आ जाता हूँ। तो अभी यहाँ पर मुझे क्या करना है, प्लैंक्स लगाने फोर लाइन में। ये अभी 1 2 3 4 5 6 कर लो शायद से, जितने करने हैं जी 4 5 5 किए गाइस मैंने, तो 6 कर देते हैं। तो एक यहाँ पर भी हमको सेम 1 2 3 4 5 6 करना है। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर इनको दोनों को मिला देना। यहाँ पर 7 बन गए, मैं काट देता हूँ। तो गाइस मुझे कमेंट करके बताना आपको मेरी वीडियो कैसी अच्छी लगी है या नहीं लगी माइनक्राफ्ट की, क्योंकि मैंने इसके अंदर ये गेम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर गेम है क्योंकि लोगों की बात काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है। तो इसलिए मैं गाइस सब्सक्राइब आपकी मर्जी करना है तो कर देना, तो लाइक प्लीज़ से कर देना गाइस, लाइक कर देना। सब्सक्राइब की आपकी मर्जी है, क्योंकि आपको वीडियो देखने में और आपको वीडियो देखने में और लाइक करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा वीडियो देख लाइक करने में। तो मुझे इधर घंटे लग गए हैं घर बनाने को, इस घर बनाने को। वो आप लोगों को तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा लाइक करने में, बस आपको बटन दबाना है। प्लीज़ से कर देना, इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो आपके लिए मैंने एक सुंदर सा वैसे घर भी बनाया है, ये देखो कितना सुंदर सा मैं आपके लिए। अभी तो गाइस रुको, जब आप पूरी लास्ट में जो जो मैंने सोचा हुआ ना, आप गैराज भी बना सकते हो। मुझे तो जैसे मुझे सही लग रहा है मैं वो कर रहा हूँ। आप इधर चाहे तो स्टोन भी कर सकते हो, आपको ओनली कोबलस्टोन का बनाना है तो कोबलस्टोन का भी कर सकती हो। मुझे वुडन प्लैंक का काफ़ी अच्छा लग रहा था, दोनों मैचिंग कर रहे थे, मैचिंग, इसलिए मैं सोचा वुडन प्लैंक का ही बनाएंगे। तो यहाँ पर गाइस हमारा ऊपर की शेड थी वो भी कम्प्लीट हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पर ये लगानी है, मैं अपना फार्म बना रहा हूँ। तो ये अपना फार्म कुछ इतना हो, इस टाइप का होगा। तो अंदर से मैं इसको सारा बोन नहीं कुछ होता है नाम का, उसे मैं इसको सारा कवर कर दूंगा। एक ऐसे ही लगेगा जो गलत लगा रहा हूँ मैं। ओके गाइस तोड़ देता हूँ, मेरे ख्याल से ऐसे अच्छा लग रहा है। तो गाइस ऐसे ही लगना है मेरे ख्याल से, क्योंकि आगे तो फिर वो गैप छोड़ जाएगा। मैंने अभी यूट्यूब से तो नहीं देखा। तो गाइस मुझे कमेंट करके बताना कि आप माइनक्राफ्ट के अंदर कितने ज़्यादा प्रो हो। जब प्रो हो तो वीडियो को लाइक करना, जब आप नूब हो तो भी सब्सक्राइब करना, जब आप दोनों ही नहीं हो, प्रो भी नहीं हो नूब भी नहीं हो, फिर आप क्या करना, आप कमेंट कर देना, ठीक है, कमेंट कर देना। कमेंट करने का भी, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पर गेट मैं लगा रहा हूँ, लगता है तो यार गेट खोल के चल जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, दूसरा कुछ जुगाड़ कर लेंगे हम। वो होता है यार एक और, ये होता है यार, मैं नाम भूल गया उसका। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं बार बार पीछे होके दिखा रहा हूँ क्योंकि आप अच्छे से देख पाओ मैंने कैसे घर बनाया है। ये यहाँ पर भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ एक।
ये देखो गाइस अच्छा लग रहा है हमारा घर। अभी जब पूरा कंप्लीट हो और अंदर से जब मैं पूरी डेकोरेशन करूँगा फिर तो और अच्छा लगेगा। तो ये मैं देखो आपको पूरा पीछे से दिखा रहा हूँ। अभी मुझे क्या करना है, एक अब यहाँ को घर बनाना, जिसके लिए मुझे चार जगह छोड़नी है। यहाँ को सेम वैसे ही वुडन प्लैंक लेने हैं, तो छः लगाने हैं प्लैंक, सिक्स प्लैंक लगा के हमको इधर ये भी कंप्लीट करना है। सेम वैसे ही मैं यहाँ पर दूसरी साइड में भी करूँगा। ये हो गया बस गाइस, जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं वो कर ही जा रहा हूँ। तो नीचे जो आप जो सामान देख रहे हो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो जी आपको। ओ गाइस ब्लैक शीप वो दिनों बाद दिखी है, कि जबकि मैं माइनक्राफ्ट खेलता हूँ मुझे ओनली वाइट शीप ही देखी है, बट मुझे आज ब्लैक शीप देखी है। तो पिंक शीप भी देखी थी बट मैं उसके वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गया, क्योंकि मेरे ख्याल से पिंक शीप बहुत ज़्यादा रेयर होती है, ऐसा मैंने सुना है किसी से, तो बहुत ज़्यादा कहते रेयर होती है, वो दिखती नहीं है ऐसे पिंक शीप, बट मैंने देखी थी अभी। ये भी हो ही गया गाइस। तो गाइस आप क्या चाहते हो कि मैं जेड गेमर के साथ बिल्ड बैटल का चैलेंज करूं, जो जेड गेमर है मैं उसके साथ बिल्ड बैटल का चैलेंज करूं, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं उससे एक बारी बात करूंगा, आप बोलोगे कि वो मेरा रिश्तेदार लगता है क्या, नहीं क्योंकि क्योंकि मेरा उसके पास मेरा नंबर है, नहीं हाँ उसका मेरे पास नंबर है, तो मेरे पास भी है उसका नंबर, बट वो ज़्यादा फ़ोन नहीं उठाता, उसने कल उठाया था। तो मैं उसके साथ बिल्ड बैटन का चैलेंज करूँगा, ट्राई करूँगा। वैसे तो वो काफ़ी प्रो है, मैं अभी नो समझ लो क्योंकि मैं सस्ता प्रो हूँ, इतना अच्छा खेलने नहीं आता मुझे, खेल लेता हूँ थोड़ा बहुत, बट फ्री फायर में आ जाए तो फिर तो मैं ठीक हूँ। बट मैं फ्री फायर खेलता नहीं क्योंकि मुझे फ्री फायर पसंद ही नहीं है, गन नहीं चलानी है बस, मुझे फ्री फायर का कुछ समझ नहीं आता है, माइनक्राफ्ट ज़्यादा अच्छी है फ्री फायर से। तो ये गाइस मैं एक रूम टाइप बना रहा हूँ, तो आप मेरे ख्याल से आप क्या कर लेना, आपको पीसी रूम भी बना सकते हो अपना एक कंप्यूटर पीसी रूम। आपको कोई मोड्स भी आते हैं मोड, उसमें वो आप कोई भी मतलब कि जिसमें आपको लैपटॉप चाहिए पीसी चाहिए, जो वो वाले मोड होते हैं, एक मोड में आपको क्या करना है उसके जो आपको सर्च करना है, आपको पीसी चाहिए कंप्यूटर पूरा सेटअप चाहिए, अब वो सेटअप कर सकते हो। अब मैं एक मेरे पास था ऐप, मैं उसका नाम भूल चुका हूँ, वो बहुत अच्छा ऐप था, उसके अंदर से बहुत कुछ आप कर सकते हो, मतलब कि अपना किचन और भी बहुत सारे एक्सेट्रा। ये देखो गाइस हमारा घर कुछ ऐसा लग रहा है अभी, बट जब अंदर कंप्लीट होगा तो और अच्छा लगेगा। तो नीचे तो गाइस अभी मैंने यहाँ पर क्या है, आपको ए टाइप सा बनाना है, मैंने फोर ऊपर से मेरी ग्लासेस फोर नीचे रहे, टोटल एट ग्लासेस थे, तो मैंने ये ए टाइप बना दिया। तो ए सेम वैसा ही आपको वहाँ पर भी करना है, मैं यहाँ से तोड़ देता हूँ अंदर जाने के लिए। आपको सेम क्या करना है, यहाँ से काउंट कर लेना 1 2 3 4, तो यहाँ पर फोर है तो यहाँ से मैं काट देता हूँ, ये तोड़ दी मैंने, तो यहाँ पर मैं ए लिख दूँगा। देखो मैंने कितनी दूर क्या कर दिया, ये गाइस देखो मैंने ए लिख दिए, वो ये थोड़ा अंदर को नहीं है बाहर को, तब ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। एक मैंने मतलब कि मैंने गलत लगा दी है, बट वो वाला मैंने बाहर से लगाया था, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, मेरे ख्याल से वैसा ही लगेगा, कोई बात नहीं। तो अभी गाइस ऊपर से सारा प्लैंक से कवर कर देना है, मैं कर देता हूँ प्लैंक से कवर। क्योंकि वुडन और वुडन प्लैंक का घर कुछ ज़्यादा ही मुझे अच्छा लगता है, वुडन प्लैंक का और स्टोन का। तो गाइस अभी मैंने ऑलमोस्ट अपना घर कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ पर मैं ग्रास लगा देता हूँ, गलती से मैंने कर दिया। तो गाइस मैंने कहा था कि जब मेरे
जब मैं उसके साथ जेड गेमर के साथ वो करूँ बिल बैटर का कंपटीशन, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो गाइस ये मैं एक प्रॉमिस करता हूँ, जब मेरे 1K सब्सक्राइबर 1K के सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, या किसी वीडियो के अंदर 2K या 1K व्यूज़ कंप्लीट होएंगे, तो मैं एक सॉन्ग लेके आऊँगा। तो सॉन्ग लेके आऊँगा, तो फिर उसके बाद जब मेरे 1K सब्सक्राइबर ही समझ लो होंगे, या कि कोई व्यू ही होंगे 1.2K 2K, तो फिर मैं एक लैपटॉप परचेस्ड करूँगा। फिर उसके अंदर आप मुझे कमेंट करके जोन से भी आप मुझे कोई गेम बोलोगे, मैं वो वाली डाउनलोड करूँगा। तो मैं सबसे पहले तो द रेजिडेंट ईवल 4 कुछ नाम की गेम है, बहुत डेंजरस और बहुत अच्छी गेम है कहते हैं, वो वाली ट्राई करूँगा खेलने की। फिर मैं लाइव स्ट्रीम भी करूँगा, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा लाइव स्ट्रीम इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं होता। तो हॉलीडेज में चाहे मैं करूँ, तो एक मैं व्लॉग बनाऊँगा जब थार का, क्योंकि मेरे मामू के लड़के जो हैं मेरे भैया, उन्होंने थार लेनी है, तो वो उसका हमने एक व्लॉग बनाना है। तो मैं व्लॉग बनाऊंगा तो जाने का पूरी थार, महिंद्रा थार आपको मैं दिखाऊंगा, इतना ज़्यादा अमेजिंग व्लॉग होगा। आप तो प्लीज़ उस वीडियो के अंदर जब 1K व्यूज़ होते हैं, तो मैं पक्का कह रहा हूँ मैं एक लैपटॉप परचेस्ड कर लूँगा, फिर आप मेरी एडिटिंग और सब कुछ का सपोर्ट कुछ अच्छा होगा। बट अभी मैं ज़्यादा कर पढ़ाई में ध्यान लगा रहा हूँ, क्योंकि ये काम मैं बाद में भी कर सकता हूँ। जो मेरा चैनल है कहीं जाने नहीं लगा, अभी थोड़ा बहुत मैं पढ़ाई के ऊपर देख रहा हूँ ध्यान। गाइस ये देख लो मेरा घर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब मुझे अंदर से डेकोरेशन करनी है थोड़ी, वरना मैं ऐसे भी छोड़ के जा सकता था, पर वो मैं आपके लिए कर रहा हूँ कि आपको दिखा दूँ कैसे डेकोरेशन मैं कैसे करूँगा। तो क्या गाइस आपको इसके सामने एक बहुत बड़ा नेदर पोर्टल चाहिए, मैं बहुत बड़ा एक नेदर पोर्टल बनाऊँगा, तो उसकी वीडियो लेके आऊँगा। तो गाइस ये घर बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो ये देखो गाइस अभी ऑलमोस्ट वो है कि मेरा घर कंप्लीट हो चुका है। तो अभी भी यहाँ पर गाइस मैं लिखता हूँ क्या लगाना है, उसका नाम क्या था यार, वो एक चीज़ होती है मैं लगा के पता ये नहीं है यार, ये होगा इससे देखो। ये तो गाइस ये हुआ तो बहुत अच्छी बात है, हुआ। अबे यार खोलना था मैंने, डोर खोलना था, बोले ये मैं डोर खोलने की ट्राई करूँ, वो हो ही लग गया। अब क्या करें, ढूंढो मैं नीचे कहीं, मुझे यार एक होता है गाइस, मैं बहुत दिनों के बाद खेल रहा हूँ माइनक्राफ्ट, भूल गया। तो गाइस मुझे मिल चुका था वो चीज़, ये छोटी सी चीज़ होती है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे सीधा एक लाइन खींचनी है, ये पूरी एक लाइन सी खींचनी है वीड फार्म, अपने फार्म के लिए। तो जब मैं अपना फार्म पूरा तैयार कर दूंगा मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो गाइस आप देख सकते हो मेरा जो वीड फार्म था वो पूरी तरह से बन चुका है, तैयार हो चुका है, रेडी। मैं अभी थोड़ा सा और ग्रो कर रहा हूँ कि अच्छे से भाई ग्रो हो जाए, तो फिर हुआ हो तो भी दिए, अभी लाइन रहती है, अब इसकी बारी है ऊपर मैं उठ जाए भाई। तो ये देखो मैं इनको भी बहुत सारा बोन मिल दे रहा हूँ, टूटू मैं सभी को बोन मिल दे रहा हूँ, तो इनको भी जाऊँगा बाद में। ये देखो भाई सपना वीट फार्म कितना अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं पता कि कौन सा वीट है, बट जब ये बड़ा होके बड़ा उगेगा बड़ा अच्छा सा बनेगा, फिर हम खा के देखेंगे कौन सा वीट है। तो वैसे भी बाहर जाते हैं, यहाँ से आप देख सकते हो कैसा है ये मेरा वीट फार्म लग रहा, तो इसको थोड़ा और दे देते हैं सब। तो अब गाइस बारी है, ये मैंने जो अब सामान लिया, ये वाला सामान ले लेना, क्योंकि अब मैं करने लगा हूँ डेकोरेशन, तो अभी ऊपर जाके डेकोरेशन करते हैं थोड़ी बहुत ही। सबसे पहले मुझे यहाँ से करनी है स्टार्ट, यहाँ पर मैं दो एक चेस्ट लगाऊंगा, फिर उसके साथ क्राफ्टिंग टेबल, फिर मैं दोबारा से 2 चेस्ट लगाऊंगा, फिर मैं फिर यहाँ पर मेरे ख्याल से क्या लगाएं, एक चेस्ट लगा देते हैं, नहीं वो ये
क्राफ्टिंग टेबल, ये क्या हो गया, तो यहाँ पर मैं क्राफ्टिंग टेबल, तो ये मैं फर्नेस लगा देता हूँ टू, फिर टू, तो यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो होती है वो फैंसीज, फैंसीज जो होती हैं इसको यहाँ पर ऐसे लगा देता हूँ। तो एक यहाँ पर तो ज़्यादा जगह नहीं है ना, रुको इधर से नीचे जाता हूँ पहले, रुके ये हो गया। अब मैं इधर सेंटर में एक टॉर्च लगाता हूँ, तो गाइस यहाँ पर मैंने यहाँ से तोड़ दिया, तो यहाँ पर सोच रहा हूँ क्या लगाया जाए, या तो मैं इसके अंदर स्टेयर्स लगा दूँ, तो जब मैं वो होती है मेरे डोर है मेरे पास डोर, देख लेते कैसा लगता है, नॉट बैड। चलो यहाँ से डोर ही लगाते, ओ गाइस ये थोड़ी ऊपर नीचे है जगह, अब क्या करें, इसको तोड़ते हैं पहले, तो मैं अब स्टेयर्स ही लगा दिया, हम स्टेयर्स से ज़्यादा अच्छी लगेगी मेरे ख्याल से, और कुछ तो है नहीं क्योंकि हमारे पास स्टेयर्स ही है एक, तो ये देखो ऊपर ही है स्टेयर, मैं स्टेयर लेता हूँ, तो अब देखना देखना कैसी लगती है स्टेयर। ओ गाइस कितनी ज़्यादा अच्छी स्टेयर लग रही है, देखो आ रही हैं हम जा भी रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ी डेकोरेशन करते हैं, बेड लेते हैं सबसे पहले, तो बेड करता हूँ सर्च, ये रेड कलर का बेड लेते हैं कोई, तो यहाँ पर एक बेड लगाता हूँ, टू बेड लगा देते हैं, वन तो ये लग जा टू, तो यहाँ पर ये जो है मेरे पास ओक लीव्स, ओक लीव्स यहाँ पर लीव्स लगा देता हूँ मैं, लग जाना ये पूरा यहाँ से कवर करूँगा। अब यहाँ पर मैं फर्नेस नहीं क्राफ्टिंग टेबल अच्छी लग, यहाँ पर टू क्राफ्टिंग टेबल, यहाँ पर फर्नेस, तो इसके ऊपर दोबारा से टू क्राफ्टिंग टेबल, इसके ऊपर फर्नेस, तो यहाँ पर टू, यहाँ पर एक वन वो लगा देता हूँ, क्या कहते हैं, हाँ ये क्राफ्टिंग टेबल लगा देता हूँ। तो गाइस मैं वो उधर क्राफ्टिंग टेबल को चेस बोल रहा था, सॉरी चेस को मैं क्राफ्टिंग टेबल बोल रहा, इधर क्राफ्ट चेस, नीचे भी चेस, और साइड साइड में हम वो लगा देते हैं एक इधर क्राफ्टिंग टेबल, तो इधर फर्नेस कैसा लगेगा, हाँ फर्नेस। तो अब यहाँ पर लाइटिंग थोड़ी बहुत ही कर देते हैं, टॉर्चेस लगा देते हैं थोड़ी लाइट्स हो जाए, मैंने ज़्यादा ही लगा दी कुछ, तो चाहे तो गाइस आप यहाँ पर कहीं अपना आर्मर सेट भी बना सकते हो। तो गाइस अब मैं आपको बाहर जाके दिखाता हूँ अपना प्यारा सा, तो गाइस आपको कैसा लग रहा है मेरा घर, तो थैंक यू फॉर गाइस वॉचिंग, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।